नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार। 15 मिनट की लेक्चर सीरीज में आज आपके लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। और आज का जो हमारा सीरीज होगा उसमें हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो स्पेशली SN2 रिएक्शन से रिलेटेड होंगे, और SN2 की कुछ वेराइटीज़ हम देखेंगे कि कौन कौन से कंडीशंस भी हो सकते हैं, ये भी SN2 हो सकता है। तो देखिएगा ज़रा सा, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग अगर देखें, ऑब्जर्व करें, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि OH लगा रखा है और रिएजेंट में हमारा OH दे रखा है और इधर Cl दे रखा है। तो क्या होता है, ये जो OH है ना, ये इधर आके इधर आ जाता है और ये ऐसा चला जाता है। कुछ सिंपल सी बात है, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, O- एंड CH2 एंड Cl। ठीक है, अब ये O- जो है ये इंटरनल अटैक करके Cl को बाहर निकाल देता है और ये इंटरनल SN2 हो जाता है, इंटरनल SN2। तो प्रोडक्ट जो इससे हमारा बन के आता है वो कुछ इस तरह से बनता है, देखिएगा, देख पा रहे हैं आप, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक ऐसे ही सेकेंड वाला क्वेश्चन आप अगर देखें, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो, बस Cl और OH का पोजीशन चेंज कर दिया है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर OH लगा रखा है, यहाँ Cl लगा रखा है, तो आपके अकॉर्डिंग ये OH इस H के ऊपर आके इधर खोल देगा इसको और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। CH2 एंड O- और Cl, और ये जो O- है इसको इधर अटैक करके इस Cl को बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर से देखें इस कार्बन को, तो ये आपका 3° कार्बन है, और चूंकि ये 3° कार्बन है इस वजह से इस O- का यहाँ पर अटैक करना पॉसिबल नहीं है और ये रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि OH जो है बेस है, तो बेस क्या करेगा, आप एक और रिएक्शन का नाम सुने होंगे SN2 से मिलता जुलता, जिसको कि हम लोग E2 रिएक्शन बोलते हैं, इलिमिनेशन। वो रिएक्शन यहां पर होगा, कैसे होगा, देखो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इस क्वेश्चन को जरा सा लिख लीजिए इधर निकाल के, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है और CH2 और OH, ठीक है, OH ले लो इस पे, तो अगर आप यहां से हाइड्रोजन, यहां क्या है आपका Cl, अगर आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करें H यहां लगा दो अगर तुम, और इसको इधर ले आओ, ये इधर आते हुए इधर चला जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखो, CH2OH, ठीक है, हाइड्रोजन कहीं छूटा हो तो लगा लेना। अब देखो दूसरा, दूसरा जो OH है आपका, ये क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये जो H है ये इधर आएगा और ये Cl फिर इधर से बाहर चला जाएगा, तो दूसरा जो प्रोडक्ट है आपका वो कुछ इस तरह से बन के आएगा, ये और CH2OH, बात समझ रहे हैं आप, तो ये बात हो गई, दोनों ही प्रोडक्ट हमारे बन गए। अब देखो इसमें सेजेफ ऑफमान अगर आप चाहें तो देखिएगा, करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा ये सब बातें, बट
आप ध्यान से देखिए कि बस किए क्या हम, OH और Cl की पोजीशन को चेंज किए हैं, और सिर्फ उतना ही चेंज करने से हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें एक में, पहले वाले में तो हमारा क्या बन रहा है, SN2 रिएक्शन हो रहा है, और दूसरे वाले में सिर्फ पोजीशन चेंज करने के कारण SN2 ना हो करके E2 रिएक्शन हो रहा है। तो ये बात हो गई। अब देखो दूसरे को देखते हैं हम लोग, लास्ट वाले क्वेश्चन को। लास्ट वाले को ध्यान से देखो क्या दे रखा है, इपॉक्साइड रिंग दे रखा है। याद रखो जब भी इपॉक्साइड रिंग हो और इस तरह का कुछ दिया हुआ हो, SN2 करवाएगा ये जो दे रखा है, ये इसके ऊपर SN2 करवाएगा, ये इंटरनल अटैक होगा और ये रिंग ओपन होगी, तो जो प्रोडक्ट बन के आएगा आपका वो कुछ इस तरह से होगा। देखो हम सिर्फ इपॉक्साइड या बना ही देते हैं, देखो ये ऐसा है और O-CH3 और आपका H और दूसरा क्या हो जाएगा, C CH। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये हो जाएगा और फाइनली आपको H2O दे रखा है, HOH, ये जो O- है ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखो इसको, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, OH और CH3, C CH और H। समझ रहे मेरी बात। तो ये कुछ बातें थी जो हमने डिस्कस की इसके बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आज का हमारा एपिसोड यहीं तक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगले लेक्चर में हम लोग कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।